चलिए ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। अंबाला से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अंबाला और कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन जारी है। अंबाला और कुरुक्षेत्र में किसान एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की मांग कर रहे हैं और दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 पर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस वजह से लंबी वाहनों की कतारें वहां पर लग चुकी हैं। यातायात व्यवस्था सुधारने जो है पुलिस पहुंची है और कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी अंबाला में, अंबाला और कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया है और इसके चलते जो है वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है। अब फिलहाल पुलिस पहुंची है और किसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन चल रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी है? क्योंकि लगातार किसानों की मांग चल रही थी कि सूरजमुखी की जो खरीद हो वो एमएसपी पर हो, अब जब सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो किसानों ने जाम लगा दिया है नेशनल हाईवे 1 पर, क्या स्थिति बनी हुई है अभी इस वक्त की और क्या कोई प्रशासन का नुमाइंदा पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए? पिछले कई बार जो है 10-15 बार जो है लगातार किसानों की बैठक हुई थी, जिसके बाद किसानों ने जो है अल्टीमेटम दिया था कि अगर 6 तारीख तक सूरजमुखी की जो है एमएसपी पर खरीद नहीं की गई तो किसान जो है जाम लगा देंगे। आज भी जो डीसी है और एसपी है उससे जाम लगाने से पहले 5 मिनट पहले लगातार जो है किसानों की बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत जो है बेनतीजा रही और उसके बाद जो किसान जो है नेशनल हाईवे पहुंच गए और उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे शाहबाद की, जहाँ पर जो है किसान बिल्कुल बीचों बीच जो है सड़क के बैठ चुके हैं और नेशनल हाईवे पर जो है यहाँ पर जाम लगा दिया गया है और लगातार जो है किसानों का पहले भी चेतावनी दी गई थी कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर किसान जाम लगा सकते हैं। सूरजमुखी की जो सरकारी खरीद है यानी कि एमएसपी जो है वो अगर एमएसपी पर खरीद नहीं की गई तो यहाँ पर जाम लगाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो गुरनाम सिंह चुडूनी है वो मौजूद हमसे बातचीत करेंगे कि जी चुडूनी साहब क्या कहेंगे, आज जाम लगा दिया है लगातार, आपकी बात भी कई बार की गई है लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं मानी तो आप जाम क्यों? देखिए आज 5वीं पंचायत है और हमारी मांग बड़ी छोटी सी नॉर्मल वाजिब है कि एमएसपी पे सरकार सूरजमुखी खरीदे और हरियाणा सरकार जो है वो हठधर्मी पे है और इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उमा शंकर जी वो सारी बात को उलझा रहे हैं। तो जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, सड़क से नहीं उठेंगे, लद मार सकती है सरकार, जेल में ले जा सकती है, वो जो सरकार को करना है कर सकती है, लेकिन अब जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और 4000 से 4200 के बीच भाव है, 1000 सरकार भाव अंतर देना चाहती है और 6400 रुपए रेट है, मतलब 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल का किसान को नुकसान है बाजार में बेच। तो अभी फिलहाल अंबाड़ा में और शाहबाद में जाम किया गया, तो आने वाले समय में और पूरे हरियाणा में भी किया जा सकता है। देखिए वो तो आने वाला टाइम बताएगा, आज का तो हमारा शाहबाद में जाम लगाने का प्रोग्राम था और शाहबाद में लगा दिया है और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को पूरे देश को ये हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सवाल सूरजमुखी का नहीं है, सवाल एमएसपी का है। तो अगर सरकार यहाँ पे कोई ज्यादती करती है, कोई लठ मारती है, जेल में ले जाती है, गोली मारती है तो पूरे देश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, सब किसान एकदम से ठीक है। विक्रम, लेकिन इनसे एक सवाल ये भी पूछिए कि जिस तरह से अब गर्मी है और नेशनल हाईवे 1 पर पूरी जाम की स्थिति बनाई है, कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जब तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी बात नहीं सुनता तब तक कहीं ना कहीं वो वाहनों को भी जाते रहने दें। जिस प्रकार की बढ़ती गर्मी है, अगर गर्मी की बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा है तो लोग भी परेशान है जाम लगाने से, तो कब तक जो है ये जाम रहेगा और जो गर्मी ने गर्मी को देखते हुए क्या लोगों को जाने दिया जा सकता है? देखिए नीचे से सड़क गर्म है, ऊपर से सूरज गर्म है और दूसरी तरफ किसान की फसल खेत में पड़ी है, ऐसे में सरकार पता नहीं हमें हमारे से क्या मनवाना चाहती है। तो लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानती तब तक हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा, हम ऐसी सड़क पर बैठे रहेंगे। लोगों को जाने दिया जा सकता है गर्मी को देखते हुए? जाम को खोलने की कोई आशंका है? कोई प्रोग्राम नहीं है, गर्मी को सहेंगे और सड़क के ऊपर बैठे रहेंगे।
जी देखिए, तो जो है गुरनाम चुडुनी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए, ये जाम जो है ऐसे ही लगा रहेगा, और जब तक सरकार उनकी बात नहीं मांगती, जब तक जो है MSP पर खरीद नहीं की जाती, तब तक ये जाम रहेगा। देखिए किस प्रकार से जो किसान है यहाँ पर जो है सड़क के बीच बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, और नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया है। ये आपको शाहबाद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है किसान सड़क के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं। नेशनल हाईवे है जहाँ पर जो किसान बैठे हैं, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है लंगर वगैरह की व्यवस्था जो है यहाँ सड़क के बिल्कुल बीच बीच में। आने वाले समय में कोई अधिकारियों के साथ मीटिंग होना तय है, कोई बातचीत हो सकती है? अभी फिलहाल जो है मैम अधिकारियों से कोई बातचीत की कोई जो खुलासा है वो नहीं किया है। हालांकि जो जाम है उसके 5 मिनट लगने से पहले जो है कुरुक्षेत्र DC और कुरुक्षेत्र SP जो है गुरनाम सिंह चुडुनी और तमाम जो इनके नेता गण उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही, जिसको लेकर जो है रोष स्वरूप ये किसान जो है सड़कों पर बैठे और सड़कों पर पहुंचकर जो है लगातार जो जाम है वो इन्होंने लगा दिया है। जी विक्रम, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 की ये तस्वीरें, जहां पर वाहनों की लंबी कतार है और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो नेशनल हाईवे 1 पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरनाम सिंह चुडुनी के साथ और भी बड़े जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। विक्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें फिलहाल कई किलोमीटर तक का लंबा जाम जो है नेशनल हाईवे 1 पर लग चुका है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ किसान भी हाईवे पर ही डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि सूरजमुखी की खरीद MSP पर दी जाए। हालांकि कई दिनों से उनकी ये मांग जो है चल रही थी, लेकिन अभी तक जो है कोई मीटिंग अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ तय नहीं हुई है।